बैजनाथ धाम का जो मुख्य था वो रावण से संबंधित है जी। रावण शिव भक्त था, एक बताने की आवश्यकता नहीं। तो रावण क्या वो चाहता था कि भोलेनाथ मेरे साथ चैनल के माध्यम से सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैजनाथ धाम पे बहुत ऊर्जा है, आप सब आए दर्शन करें और यहाँ पर अपना दर्शन के साथ में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाप करो। हिमाचल देवभूमि है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ के बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं, नशेबंदी की, नशे की आदत है बच्चों में। कहना नीचे सब ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्र सोमनाथ च श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल मुंकार ममलेश्वरम परल्याम वेदनाथम च परल्याम वेदनाथ डाकिनिया भीम शंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोतमी तटे हिमालयम तो केदारम धूषमेश। ये है। लेकिन मैंने ये देखा जो अक्सर बच्चे रात को 2 बजे दे आर रनिंग फॉर द आर्मी। अरे भाई आर्मी में जा तो सकते हैं, लेकिन आप मस्तिष्क और दिमाग भी तो इस्तेमाल करो, दौड़ने से थोड़ी आर्मी में चले जाएंगे। तो हम बच्चों को वहां पर ध्यान केंद्र के मानदे से काउंसलिंग करना चाहते हैं। नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है और अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में, और जी हाँ बाबा बैजनाथ मंदिर में, शिव भगवान के मंदिर में। और जिस तरह से आप हमारे पीछे भी देख पा रहे हैं, इस टाइम शिव भगवान जी का जो मंदिर है बैजनाथ, बाबा बैजनाथ के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, हम वहाँ पर मौजूद हैं। और एक सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, कितना भव्य दिव्य मंदिर और कितना फूलों से सुसज्जित मंदिर आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये पूरी तैयारियां हुई थी शिवरात्रि के लिए और हम भी यहाँ पहुँचे खबरखास की टीम। और अभी हमें एक संत महात्मा मिले हैं, काफ़ी देर से हम उन्हें देख रहे थे कि बड़ा अच्छा वो लोगों को मैसेज दे रहे थे, जिसके लिए हमने भी सोचा क्यों ना उनसे कुछ सवाल किए जाएँ, उनसे भी आपको रूबरू करवाया जाए और क्या उनके विचार हैं आप तक पहुँचाए जाएँ। तो चलिए मिलाते हैं आपको। हमारे साथ एक महात्मा जी जुड़ चुके हैं और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी कुछ सुनना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। महात्मा जी, आपका स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद। हर हर महादेव। ये बैजनाथ धाम है, यहाँ की महिमा आप सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा मेरा एक परिचय बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ। सो थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ करता हूँ कि मैं कभी ICICI बैंक में मैनेजर पद पर था। सो वहाँ से हमने VRS लिया और उसके बाद में करीबन 7 साल तक हमने उत्तराखंड में वहाँ जो सिद्ध संत लोग, महात्मा जो सब ध्यान कर रहे हैं, उनसे ये सीखना चाहा। आई वॉन्ट टू नो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्म क्या है, और क्या मेरा जैसा व्यक्ति जो गृहस्थ, मैं गृहस्थ हूँ, तो मैं उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ क्या। दूसरा थोड़ा सा मैं एक और गाइड थोड़ा सा बताना नहीं चाहता कि मैं क्वालिफाइड क्या हूँ, बट ये ज़रूरी है कि आपको पता लगना चाहिए कि जो व्यक्ति बात करे उसकी क्वालिफिकेशन क्या। सो आई एम MSc इन फिजिक्स। तो एक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी होने से आपको एक बात पता होना चाहिए कि वो तर्क से सब चीज़ लेता है। तो हम वहाँ गए, मैं आपको बहुत रोचक बात बताता हूँ। जब सिद्धों से, संतों से मिले, तो हमने उनको एक बात पूछा कि महाराज जी, आप जो सिद्धि ले रहे हैं, चलिए आपको सिद्धि मिल गई, इसका क्या मिलेगा आपको, हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका लाभ क्या है। तो हंसने लग गए, बोले आप विज्ञान के विद्यार्थी। मैंने कहा नहीं, विज्ञान के विद्यार्थी नहीं, मैंने कहा आपको जो मिला है उसका लाभ किसको मिलेगा। आपने पकाया और आपने खा लिया, तो मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। मैंने कहा महाराज जी, ये समाज के कहाँ काम आएगी सब चीज़ें। तो मेरे मन में तभी एक बात जागृत हुई कि हमें समाज में जाना चाहिए और हम अपनी सिद्धियों को अपने पास रखेंगे। मैं एक फिजिक्स का अगर मान लीजिए जानकार हूँ, अगर किसी को मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ाई तो क्या अर्थ है उस फिजिक्स का, है ना। तो जो मेरे पास ज्ञान है तो उसको वितरित करना चाहिए। तो हम पूरे यहाँ पर हमने वहाँ जगह ढूंढा, बहुत महंगा जगह था, लेकिन यहाँ भी बंगाना में हमने कुछ जगह लिए, एक शिव मंदिर बना रहे हैं। लेकिन जो मेरा मेन उद्देश्य है, महादेव तो मेरी आत्मा है तो वो तो ज़रूरी है मेरे साथ में, लेकिन हम एक ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं। मेरा ये विश्वास है कि बच्चों में बहुत पोटेंशियलिटी होती है, लेकिन उनको समय पर कोई गाइड करने वाला मिल जाए। शक्तिशाली है, लेकिन मैंने ये देखा जो अक्सर बच्चे रात को 2 बजे दे आर रनिंग फॉर द आर्मी। अरे भाई आर्मी में जा तो सकते हैं, लेकिन आप मस्तिष्क और दिमाग भी तो इस्तेमाल करो, दौड़ने से थोड़ी आर्मी में चले जाएंगे। तो हम बच्चों को वहाँ पर ध्यान केंद्र के मानदे से काउंसलिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे, मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपके बच्चे तैयार हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो आपके गाँव का विकास अपने आप ही हो जाएगा। और एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैंने मोदी जी को भी चिट्ठी लिखा कि आप यहाँ पर गांव में IIT के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके मेडिकल में इंटर्नशिप होता है ना, और IIM की, ऐसे इनकी 5 महीने की 6 महीने की इंटर्नशिप करवाइए और उनको एक्सप्लोर करवाइए कि यहाँ क्या संभावना है, जो बिजनेस लग सकता है और उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है। तो अगर गाँव में ये चीज़ मिल जाएगी तो गाँव वालों, हिमाचल देवभूमि है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है कि यहाँ के बच्चे स्पॉइल हो रहे हैं।
नशेबंदी की, नशे की आदत है बच्चों में, कहना नहीं चाहिए, सबको पता है आपको भी, तो नशा नहीं होना चाहिए। मेरे को एक बच्चे ने पूछा कि गुरु जी आप नशा करते क्या, मैंने कहा नहीं करता, मैंने कहा मुझे जो नशा है ना वो आपको भी होना चाहिए। नशा होना चाहिए करियर का, फेम का, नेम का, और हमें भक्ति का नशा है। आपके चैनल के माध्यम से सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैजनाथ धाम पे बहुत ऊर्जा है, आप सब आएँ दर्शन करें, और यहाँ पर अपना दर्शन के साथ में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। अलग ज्योति आश्रम, हम पीठाधीश्वर हैं, अलग ज्योति आश्रम जो बंगाना में बन रहा है, आप इसको भी सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। महात्मा जी एक क्वेश्चन हमारा बनेगा, आप इतनी दूर से आए हैं, चलकर आए हैं, गाड़ी में आए हैं, जैसे भी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बैजनाथ में भी हैं, और बैजनाथ जिस तरह से थोड़ी हिस्ट्री बता दीजिए मंदिर की, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको हिस्ट्री इसलिए बताता हूं कि जैसे मुझे यहां प्राप्त ज्ञात हुआ है, बैजनाथ धाम का जो मुख्यतः रावण से संबंधित है, रावण शिव भक्तता एक बताने की आवश्यकता नहीं है। तो रावण क्या वो चाहता था कि भोलेनाथ मेरे साथ रहे। निश्चित बात है, आप जिसको प्रेम करते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं, आप उसका सानिध्य हमेशा चाहेंगे। तो रावण ने कहा भगवान भोलेनाथ को कि महाराज जी यहाँ हमारे साथ चले। तो देवताओं को डर लग गया कि अगर भोलेनाथ रावण के स्थान पर चले गए तो ये तो सुना हो जाएगा कैलाश। तो माता पार्वती ने भगवान विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को कहा कि कुछ ऐसी जुगत बिठाओ कि महाराज जी जा नहीं, भोलेनाथ जा नहीं पाए। तो फिर भोलेनाथ तो चल दिए रावण के साथ में। तो ये इस स्थान पर जब वो आए बैजनाथ धाम पर, तो देवताओं ने ऐसी लीला करी, ऐसा कहते हैं शास्त्रों में, कि गणेश जी को भेजा उन्होंने, क्योंकि गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। तो गणेश जी आ गए ग्वाले का वेश धारण करके, या पहाड़ी किसी का रूप धारण करके। तो जब भगवान ने लीला चलाई तो उनको थोड़ा पेशाब लगा रावण को, तो उसने, अच्छा भगवान शंकर ने एक शर्त रखी थी कि अगर शिवलिंग कहीं रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, इसको लंका तक ऐसे ही ले जाना पड़ेगा अधर। तो रावण ने कहा तो बड़ी टेंशन हो गई, रख नहीं सकते, तो लीला थी भगवान के। तो गणेश जी वहाँ से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बोले महाराज ये बढ़िया काम होगा, थोड़ी देर शिवलिंग पकड़ लो, मैं जरा लघु शंका जाके आता हूँ। तो लीला संपन्न हो गई, गणेश जी ने वहीं रख दिया और वह गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। रावण आया तो वहाँ पर आकर के उसको गणेश जी ये स्थापित वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथ च श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महंकाल मुंकार ममलेश्वरम परल्याम वेदनाथम च परल्याम वेदनाथ डाकिनिया भीम शंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गोतमी तटे हिमालयम तो केदारम धूषमेश। ये 12 ज्योतिर्लिंग हर स्थान पर, मैं एक बात मान के चलता हूँ, जहाँ आप ध्यान लगाए ना यही केदार है, यही बैजनाथ है, आपकी भक्ति ही शक्ति करती। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संभव ही नहीं कहीं पर भी ऐसा मंदिर, ये अर्धनारीश्वर है, जहाँ शक्ति और शिव दोनों हो। आप कल्पना कर सकते कि वहाँ कितनी ऊर्जा होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये स्थान बहुत जागृत है, ऐसा कहते हैं ना कि हर किसी को ये भगवान भक्ति का लाभ नहीं मिलता, जिसका सौभाग्य होता है वही यहाँ आता है। ये इतने लोग हैं भाग्यशाली जो आज दर्शन करने के लिए, सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा एक आपसे वाजिब सा सवाल भी रहेगा कि लोग कैसे अपने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न, बड़ा कठिन प्रश्न पूछा। देखिए परम आत्मा, परमात्मा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमात्मा? आत्मा का सबसे हायर फॉर्म यानी परम, परम को क्या होता है उच्चता, अभी पहाड़ सबसे ऊंचा वो परम ऊंचाई मानेंगे। परम आत्मा, जब आपकी आत्मा परमात्मा मतलब परम हो जाए उस, अच्छा वो कैसे होगी, आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। भगवान राम जब मरुवास में थे और रावण को मारने के लिए जा रहे थे, तो विभीषण उनके पास आए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सबके लिए लागू होती है। विभीषण मिलने आया तो सबने कहा तो रावण का भाई है या हमारे सीक्रेट्स ले जाएगा। तो भगवान राम ने एक बात कही, बहुत अच्छी चौपाई कही रावण में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, ये मैं भगवान को प्राप्ति का बता रहा हूँ तरीका, कि जिसका मन निर्मल हो, निर्मल मन, जिस मन, जिस जन व्यक्ति का मन निर्मल हो, निर्मल मतलब कलुषित रहे, पाप नहीं हो। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र यही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हम बहुत ईर्ष्या करते हैं। बिल्कुल, तो आप ये जब तक नहीं रखेंगे भाव, ये बचपन से सीखना पड़ेगा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, हम बहुत जल्दी ईर्ष्या करते हैं, बहुत जल्दी द्वेष करते हैं, छोटी सी बात पे क्रोध आ जाता है, क्यों आता है मेरे समझ में नहीं आता, क्या आवश्यकता है। तो परमात्मा से प्राप्ति का रास्ता वही हो सकता है जब आपके आत्मा निर्मल हो, बिना उसके, मैंने कहा ना निर्मल मन जिसका नहीं हुआ, ये चौपाई में सारी बात बता दी, जो आपका प्रश्न है ना उसका उत्तर ये चौपाई है। भगवान ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पाया, मोह कपट छल, मेरे पास वही आ सकता है जो इस तरह का व्यक्ति होगा, कोई नहीं आ सकता। तो परमात्मा तो वही है, और सबसे बड़ी बात
एक कबीरदास जी ने कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तो तेरे पास हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। तो भाई सारे संतों ने एक ही बात कही, अपने अंदर ढूंढो, बी इंट्रोवर्ट, डोंट बी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में ही फायदा, चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी हो, आपको अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। सबसे प्रेम करो, सबकी इज्जत करो। संसार में जितने व्यक्ति हैं सब इज्जत करने लायक हैं, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़े गरीब वो हैं जो किसी को गरीब समझते हैं। किसी को मूर्ख मत समझिए, जो किसी को मूर्ख समझता है उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आपके ज्ञान, आपसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, मैं क्या पढ़ाई की, मेरे से ऊँचे ऊँचे पढ़ाई करने वाले। भक्ति की क्या बात करो, मेरे से बड़े बड़े भक्त हैं। तो कोई बात नहीं, सबका सबका इज्जत करो, ध्यान करो। बाबा जी एक चीज है, जिस तरह से आप एक संत भेष में हैं, काफी सारे हमने देखा समाज में संत भेष के रूप में व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वो लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाते हमारे धर्म की, सनातन धर्म की, और जिस तरह से देनी चाहिए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हमें जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान को बांटिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने, और इस प्रश्न का एक इतना बढ़िया जवाब दे रहा हूं। एक कथा पंडाल होता है, उसमें 500 व्यक्ति हुए हैं, तो 500 व्यक्ति कौन है, दे आर द 500 डिस्टर्बिंग माइंड्स, वो 500 समस्याएं हैं आपके पास आ रहे हैं। अब आपने तो कृष्ण जी का संवाद सुना दिया, अरे भाई वो तो किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई बहुत बीमार है। कृष्ण को सब जानते हैं, रामायण सबने पढ़ी है, लेकिन आप उनके मन की बात पढ़िए, मेरा ऐसा मान्यता है। हो सकता है किसी को बुरा लग सकता हो, बट मैं मानता हूँ ये जो लोग खड़े हैं ना, इनके दर्द को हम नहीं समझ सकते, तो किसी कथा में कोई अर्थ नहीं है। और आपको ये माइंड रीड करना आना चाहिए। एक संत का जो आपने कहा ना, सबसे बड़ा संत वही है, और संत के पास में, संत ने जब ये वेश धारण कर लिया ना, समझ लीजिए फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, एक रुपये भी आपसे नहीं चाहिए, उसको सिर्फ देना ही देना है, लेना नहीं। जिस संत ने रुपए पैसे पे ध्यान, तो फिर क्यों आए भाई इधर, अगर आपको रुपया पैसा था। दीज आर द डिफरेंस, मैटेरियलिक वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में अंतर करना सीखिए। जिसने अंतर सीख लिया वही संत है। तो संत की परिभाषा बड़ी कठिन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को कहा, संत हर है, आप भी संत हैं, ये भी संत हैं, लेकिन वो निर्मल भंजन वाली बात है। तो सबसे बढ़िया बात कही, संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, आप अगर किसी से अपेक्षा करते तो आप संत नहीं है। आप अपेक्षा मत करिए, उनको मार्ग दिखाइए। ये भटके हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, अरे भाई 1,00,000 रुपया देकर कोई आगे आगे बैठा है और गरीब तो पीछे बैठा है, फिर आप किस चीज़ के संत हुए? किसी को बुरा लग सकता है सुन करके, लेकिन अगर गरीब पीछे बैठा हुआ है तो आप संत नहीं है। गरीब आगे आगे बैठना चाहिए। आपको बुरा लगे लगे, मेरे पास कोई आएगा पैसे वाला, भाई मैं पैसे तो छोड़ गया, 12,00,000 का पैकेज था वो छोड़ दिया, तो अब मैं पैसा थोड़े से थोड़ी चाहिए, मुझे उन लोगों को चाहिए जिनके पास पीड़ा है। मैं कोई किसी की पीड़ा दूर नहीं कर सकता, लेकिन सुन लेंगे ना तो उसको लगता है शायद कुछ मार्गदर्शन कर दे। कोई किसी की बीमारी दूर नहीं कर सकता, बट आप थोड़ा सुन लेंगे ध्यान से, सर पे किसी के हाथ। अब ये इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्यों मेरे पैर छू रहे, मेरे से तो बहुत बड़ी उम्र में, लेकिन शायद इन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा। तो परमात्मा तो आत्मा में है और इनमें भी परमात्मा है। हमें जब किसी का दुख दिखता है तो बहुत पीड़ा होती है, महादेव से एक ही चीज़ बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी भक्ति के माध्यम से अगर किसी को मैं छू लूँ और उसका ठीक हो जाए, मेरे उससे क्या चाहिए, मुझे न रुपया चाहिए न पैसा चाहिए, शोहरत भी नहीं चाहिए। या आपने इंटरव्यू ले लिया, बहुत बड़ी बात, आपको धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके लिए नहीं था ये, उन तमाम लोगों के लिए था जो अपने कहें तो धर्म के बारे में जानना चाहें और सत्य के बारे में। तो धर्म देखो, सत्य को तो बहुत कठिन है, सत्य को तो यक्ष ने जो प्रश्न की युधिष्ठिर से सबसे, तो सत्य तो था, और परम सत्य मृत्यु, मृत्यु सबसे बड़ा सत्य, और मृत्यु क्या है, मोक्ष है। मोक्ष दो तरह का होता है, एक जीते जी एक मरते, यानी आत्म साक्षात्कार। मोक्ष का अर्थ है कि आपके आत्मा आपके शरीर से बाहर आ जाए, है ना, यही तो होता है। और एक तो मरते समय चली जाती शमशान में, तो पूर्ण मोक्ष हो गया। लेकिन हमें मोक्ष तब मिलता है जब इस आत्मा को हम बाहर निकालें। आत्मा को बाहर निकालने का अर्थ क्या होगा कि आप समझें कि इस आत्मा में क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इस संसार में आए हैं, ईश्वर ने आपको 84,00,000 योनि के बाद में मानव देह मिली है, इस मानव देह का दुरुपयोग मत करिए, समझिए। मैं किसी को ही नहीं कहता कि बाबा संतों के पीछे, बट मैं एक बात समझता हूँ कि जहाँ भी जाएं उद्देश्य लेके जाएं, संत के पास भी जाएं, और दूसरी बात संतों को पहचानना सीखिए, सबसे बड़ी बात है। आप खाली टल्ले मारने जाएं या कथा में जाके झाड़ करके वापस आए, अरे भाई वहां से लेके क्या आए आप, एनेस्थेशिया ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेशिया देते हैं, थोड़ी देर बाद वही दर्द है। तो ये एनासिन और सेरिडोन की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है संपूर्ण ज्ञान की।
जिस दिन संपूर्ण ज्ञान, आपको किसी महात्मा की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी संत की भी जरूरत नहीं है। आपके मैं एक बात बताऊँ ना, हम लोगों का क्या है, हम लोग आदि किस चीज़ के हो गए, बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ऊपर डिस्प्ले पे B4S7 सब लिखा होता है, बट आप क्या करते हो, S7 कहाँ आएगा जी? अरे भाई ऊपर लिखा हुआ है S7 और B4 भी लिखा है। हम लोगों को क्या है, दूसरों से पूछ के काम करने की आदत, कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। इस अंतर आत्मा को एक्सप्लोर करो, जिस दिन एक्सप्लोर करोगे, मैं कहता हूँ किसी मतलब इस मंदिर के लिए मैं मना करूँगा, मंदिर तो हमारे अंतर मन में, ये ऊर्जा के केंद्र है, लेकिन किसी संत महात्मा की आवश्यकता। ये ट्यूशन से भाई, ट्यूशन क्यों पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करो ना, ट्यूशन से ये सब आपको, आपको सब पता है राम जी कौन थे, राम जी का चरित्र क्या है, रोज तो रामायण आती है और महाभारत, अभी क्या क्या सीखने जा रहे हो, फिर वहाँ पे गीता भी पढ़ी सबने। समझना जरूरी है कि आपके अंतर मन में उसको सिंक्रोनाइज करिए। तो ये बहुत अच्छी, आज बहुत अच्छी बात आपने, बहुत बढ़िया, ये मेरे अंतर मन के उत्तर हैं जो आपने पूछे, और मैं आपकी बहुत 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 तारीफ करूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछे वाकई सामयिक हैं, और इन प्रश्नों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आप सब जय हो भोलेनाथ, आप बाबा जी प्रसन्न रहिए, और जिनको तुमने बताओगे तो कैसे हम लोग सुनेंगे। अरे वाह वाह वाह, देखो बाबा जी ने इतनी बढ़िया बात कही है, मैं आत्मा प्रसन्न। इन्होंने कहा कि अर्जुन तो भ्रमित है, इनका कहने का तात्पर्य है, लेकिन बोले महाराज जी अगर भ्रम दूर नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा, तो कृष्ण वही है। बहुत बहुत सुंदर बात की इन्होंने, इतने अंतर आत्मा खुश हो गई। अर्जुन कौन है, अर्जुन भ्रम है, कृष्ण कौन है, मार्गदर्शक है। तो आप मार्गदर्शन कर देंगे तो आप कृष्ण है, तो वो आप भी कृष्ण है, और अर्जुन कोई ऐसा भी हो सकता है जो भटका हुआ है, तो भटके हुए तो हम सभी हैं, जिसको रास्ता मिल गया वही वही कृष्ण की शरण में है। ठीक है, बहुत बहुत बाबा जी आनंद आ गया आज से बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल की भी हम बहुत तारीफ करते हैं, और आपका चैनल खूब तरक्की करे, तो आप लोग सब प्रसन्न रहें, और बहुत अच्छा कार्य किया आज आपने आकर के, थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में जो था वो भी बता दिया, और एक हमारे हृदय के उद्गार हैं, यही हमारा ज्ञान है और ये पूंजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप खूब प्रसन्न रहें, आपको मैं कहता हूँ महादेव की खूब कृपा बने रहे, और ये बैजनाथ धाम ने आज ऐसा कार्य करवाया, यहाँ सब आएँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं कहता हूँ मैंने मेरे हमने जो सीखा वो यही है कि ऊर्जा यहाँ पर अखंड है, आप आके देखिए, मांगना मत भगवान से कभी कुछ, जिसको सब पता है उसे क्या मांगने, जो पिता है माँ है, माँ से कभी बच्चा मांगता है क्या, माँ को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, अरे ये तो मेरा पिता है तो इससे क्या मांगोगे, मांग करके छोटे मत बनिए, बस इसकी शरण में आ जाइए, और ये बैजनाथ धाम की जय हो, और आप सब लोगों की जय हो। जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। धन्यवाद। तो ये थे महात्मा जी, और आपने इनके जो शुभ विचार और इनके मार्गदर्शक के जो आपने सुने, वाकई ही काबिले तारीफ है, और हर चीज़ इन्होंने एक एक चीज़ जो बताई वो बिल्कुल सही है, क्योंकि परमात्मा को जानना और सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। तो खबर खास टीवी के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।